डबो का इंस्ट्रक्शन कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक इटैची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर आर्किटेक्ट इंजीनियर मेशन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहक को दी है जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शन पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आग बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शन कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी जरूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। आज मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से यहाँ पे उपस्थित तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय आप सबको पता है, हाल ही में केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के 195 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया जिसमें प्रथम चरण में अंडमान निकोबार से दीपों के 3 बार के सांसद और पार्टी के लोकप्रिय नेता माननीय विष्णुपद राय जी को अंडमान निकोबार का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। इस संदर्भ में हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दीपों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, दीपों के लोकसभा प्रत्याशी माननीय विष्णुपद राय जी, दीपों के लोकसभा चुनाव के कन्वीनर और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी, दीपों के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीत रेख जी आपके समक्ष है। तो मैं सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरुआत करते हुए दीपों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको वो संबोधित करें। माननीय अजय बैरागी जी। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे मीडिया कन्वेनर मोहन विनोद जी ने बहुत ही कम समय था हमारा हाथ में आप सबको निमंत्रण दिया है और आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सभी मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हुआ, मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के जो लोकसभा के जो प्रत्याशी आदरणीय विष्णुपद राय जी, मैं उनको तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनको ये शुभेच्छा और ये शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूँ। इसके पहले वे 3 बार अंडमान निकोबार में सांसद के रूप में अपना सेवा प्रदान किया और 4th बार केंद्रों ने उनको प्रत्याशी बनाए, उनको हार्दिक अभिनंदन।
हमारे जो इस बार का जो ऑब्जर्वेशन चुनाव का जो प्रोसीजियर, चाहे हमारे केंद्रीय समिति का प्रोसीजियर हो, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका मार्गदर्शन, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हमारे प्रिय नेता अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारे जो केंद्रीय समिति जो काम किया, उसमें जो सबसे पहले 195 जो सीट डिक्लेयर हुआ है प्रथम चरण में, और उसमें अंडमान का नाम उन्होंने इंक्लूड किया और अंडमान का प्रत्याशी को भी उन्होंने घोषणा किया। मैं इसका लिए हमारे सभी केंद्रीय टीम, सभी केंद्रीय चुनाव समिति के टीम को पूरे अंडमान निकोबार इकाई की ओर से उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपका माध्यम से मैं देना चाहूँगा। मित्रों, चुनाव का प्रत्याशी घोषणा होने का बाद में दीपो के कार्यकर्ता बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में जमीनी स्तर पर किस तरह हम लोग चुनाव जीतेंगे अपना लक्ष्य में उतर पड़े हैं। चारों ओर हमारे कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं और मैं खास करके केंद्रीय नेतृत्व को इसीलिए मन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार का जो घोषणा हुआ ये बहुत ही समय रहते हैं हमारा हाथ में है अब तक, और इतना जल्दी ये जो ये घोषणा, ये हमारा लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारा लिए सौभाग्य का बात है। मैं सभी द्वीपवासियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के आपका माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि द्वीपवासी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, और इस बार का भी जो चुनाव होगा इस चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी आदरणीय विष्णुपद राय जी को बारी से बारी वोट देकर उनको जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का आशीर्वाद होए हमें प्रदान करेंगे, ऐसा मैं समस्त द्वीपवासियों से मैं आग्रह करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि द्वीपवासियों का आशीर्वाद हमेशा हमारा ऊपर में रहा और इस बार भी बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने जा रहा है। चुनाव हम जरूर जीतेंगे, भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप सभी मीडिया बंधु आपने यहाँ पर आए हैं, आपको फिर से मैं हृदय से मैं धन्यवाद करूँगा और ये भी आग्रह करूँगा क्योंकि अभी चुनाव का सिलसिला, चुनाव का काम शुरू हो चुका है, हम बीच बीच में ही आप सभी को यहाँ पर बुलाने का कष्ट करेंगे और आपका सहयोग और आपका समर्थन हमेशा हम सबको मिलते रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं हमारे आदरणीय विष्णुपद राय जी को अनुरोध करूंगा कि सभी मीडिया बंधुओं को अपना एड्रेस करें। धन्यवाद। आदरणीय अजय बोरेगे जी, हमारे टूरिज्म प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधिकारी भाई विनोद जी और पार्टी के अन्य अधिकारीगण, आप सबको हार्दिक अभिनंदन। एक नया मीटिंग शुरू होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी का तरफ से, मोदी जी का आदेश में आशीर्वाद में विजयी बनने के लिए एक बिग मार्जिन, ह्यूज मार्जिन लेके ऐसा उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द्वीप समूह में मेरा जो बातचीत सुना, क्योंकि ये सीट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आम जनता का इच्छा था, मनोकामना था, इसको ठीक से नापा, अनुभव किया वह माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, उसका आशीर्वाद में हम लोग को सीट मिला।
और मैं इतना कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं अंडमान निकोबार की सेवा करने का मौका मिला। मेरे पर पैसा मारने का आरोप करने का, चोरी करने का आरोप आज तक कोई लगाया नहीं, और अगला 5 साल भी मेरा घर ऐसे ही रहेगा, कोई आरोप का मौका आपको नहीं मिलेगा। करप्शन से मुक्त मैं रहा और रहूँगा। दीप समूह का बहुत सा प्रॉब्लम्स बढ़ा। एक है नेशनल हाईवे एनएच, जब मैं सांसद में था 14-19 तक तो सैंक्शन हुआ था, फेज वाइज हुआ था। फर्स्ट फेज में उत्तरा ब्रिज था और पोर्ट ब्लेयर का एक पार्ट था, ये ढंग से हम लोग को चेड़पू तक रास्ता बढ़िया से बना। नेशनल हाईवे बनने से फ़ायदा क्या होता, ये पूरा फंड पार्लियामेंट चाहते ही रहेगा। नेशनल हाईवे का बहुत कैरेक्टरिस्टिक बहुत है, अभी ब्रिज बन रहा है, कलबर्ट बन रहा है, वाइडनिंग करते बढ़ते ही रहेगा। टेलराबाद ब्रिज बन गया, सीपीआर ब्रिज बन गया, ऐसे नेशनल हाईवे का डिकलीपुर का अंत तक ये बनेगा। एक प्रॉब्लम हुआ बराटांग ब्रिज को लेकर, वह अधूरा छोड़ के चला गया कंपनी, एनएच का काम मिडिल नॉर्थ में अधूरा छोड़ के चले गए। उसको मैं वादा कर सकता हूँ पार्टी का तरफ से और मेरे तरफ से, पार्टी भी इसमें वादाबद्ध है, कमिटमेंट दिया, बराटांग ब्रिज भारत ब्रिज सरकार बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। उसके बाद एनएच का जो फेज है मिडिल नॉर्थ में, वो काम पूरा होगा पूरा होगा पूरा होगा। इसमें हमारा पार्टी और मैं विष्णुपद राय आपको वादा करता हूँ। एक चाताम बामपेट का ब्रिज एक इश्यू हम लोग को था, हम जब सरकार में थे पहला बार इतिहास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जे रॉस आइल से अंदर जाने के लिए हर बार जाएंगे, यहाँ जेटी के पर्मिशन डिफेंस नहीं देगा। मनोहर पर्रिकर जी जब थर्ड मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर था तो उन्होंने परमिशन दिया, एनओसी दिया। उस पश्चात 14-19 के बीच में प्रोजेक्शन बना था, ड्राइंग बना, थोड़ा बहुत कमी कारण से वो टाइमली नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ जो अगला सत्र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, दीप समूह आशीर्वाद में शायद मैं जीत सकता हूँ, तो ये पूरा पूरा चाताम बाउंड्री ब्रिज बनेगा 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 ही बनेगा, इस पर कोई डाउट आपको लगता नहीं। एक बड़ा प्रोजेक्ट था जब सुनामी आया था, सरकार कांग्रेस में थे, खेत डूब गया था, जिसने किसान को लूटा कांग्रेस सरकार, सुनामी के नाम पर रुपया लूट, ट्रैक्टर लूट, गायती लूट, वो खेत पर आया डूबा दे रहा है ट्रैक्टर गायती, वो सब सुना आपने। सबसे बड़ा चीज़ जमीन का दाम क्या दिया, मामूली 9 लाख, उसके लिए आंदोलन किया था, धरना किया था। हमारा गवर्नमेंट का समयकाल में एक कमेटी बना, शेखर सिंह कमीशन आया, 9 लाख से 15 लाख करने का उन्होंने अनुमोदन किया था। ये चीज़ पूरा नहीं हो सका, ऐसे पूरा होगा, उनका बकाया रुपया मिलेगा, ये मेरे तरफ से वादा है, वादा पार्टी की तरफ से है। बाकी समस्या और भी है, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ काम तो किया सरकार मोदी के समयकाल में, एनकॉल मेडिकल कॉलेज, ओएफसी केबिल, मेरीन शिपयार्ड का काम चल रहा है अभी, उसी समय पर हुआ था। उसी समय काल में तीन गाटकर जी का मिस्त्री से आज जो नया नया जहाज नालंदा आया, ये आया, वो टाइम बना, शिपयार्ड भी बना। हमारा पीरियड समय काल में शायद अंडमान निकोबार को जितने रुपया मिला वो करीब 13,000 करोड़। सबसे अजीब बात है, अंडमान इतिहास में प्रधानमंत्री का एक फंड होता है SFC, अधिकार 100 करोड़ का है,
वो फंड ला के दिया हम लोगों ने, घोषणा मोदी जी दिसंबर 18 में किया था, अभी वो काम पीडब्ल्यूडी कर रहे हैं। अंडमान इतिहास में पहली बार रोड फंड है, सेंट्रल रोड फंड CRA फंड पहले कभी नहीं आया। 345 प्लस फंड लाया, दिया म्यूनिसिपल काउंसिल को 33 करोड़, बाकी गांव में रोड ब्रिज आदि आदि बन रहा है, कुछ बन चुका है। PMJSA का फंड हमें लेके दिया था, वो डिले कारण से आज उसका काम चल रहा है। और मुझे भरोसा है मोदी जी को अंडमान से बहुत प्रेम है, मैं उनको जानता हूँ 92 से, तब पार्टी बना था, मोदी जी संगठन मंत्री थे, युवा आज जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान बाकी लोग को लेके सेलुलर जेल में आया था, इसमें आप लोग भी था, हम लोग भी थे, बाद में मेरा अब तो राजनीति में परिचय उनका साथ रहा। जितना प्रेम मोदी जी से हमको मिला वो अंडमान वासी को उदाहरण है, जितने अंडमान के लोग अंडमान से गए बिना पूछताछ में हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स टू PM ऑफिस अंडमान निकोबार इंडिया दिया, और कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत है दिया, निकोबार को लोग भी गए और बहुत प्रेम अगर से उनसे मुलाकात हुआ, उनका प्रेम अलग है अंडमान निकोबार को लेकर। और पूजे भरोसा है पार्टी प्रोग्राम बनाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे, पार्टी क्या क्या काम करेंगे उसको लेके हम सब चलेंगे। और मंत्रालय में मैं हर व्यक्ति को जानता हूँ करीब करीब, मंत्रालय में कैसा फाइल मूवमेंट करना पड़ता है, कहाँ से फंड लाना पड़ता है, वो जानकारी मुझे कम से कम सीख सका। कुछ डिपार्टमेंट का तो एग्जाम्पल रिहाई, एसन मनी पुलिस का, 1/3 PWD का, ऐसा बहुत सा काम उस पर हम लोग कर सका। वो अमाउंट जोड़ने से आप बताओ, पुलिस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक रेशन मनी 2,500 इंटू 12 मंथ्स इंटू ईयर कितना लाख मान्यमान को मिला। हम जब सांसद थे हार्ड अलाउंस शुरू किया, मैं निकोबार ग्रुप में 1/3 अलाउंस बाद मिडिल नॉर्थ को हार्ड अलाउंस हुआ। इससे फायसा अंडमान में फायर ब्रिगेड को रिस्क अलाउंस दिया 3,000 रुपया, और बाकी बहुत सा बाकी भी है, आंगनबाड़ी का तंका ऑनरियम बढ़ाया गया, ये अतीत का कहानी है। करीब करीब हर मुद्दा में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह 90 का पार्टी सत्ता माने का बाद बहुत अच्छा काम किया कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। इस काम में मैं एक चीज कह सकता हूँ, मैं चोर नहीं ये मैं बोल सकता, आरोप मेरा 1% करप्शन के ऊपर नहीं है, आगे भी लगेगा नहीं, मेरा घर कोई जगह देख सकता है, फोटोग्राफी कर सकता है। ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारे बारे में जानकारी ले। मैं दौरा शुरू कर दिया और पार्टी की तरफ से आदेश दिल्ली में आया 15 मार्च तक दीपों का आवाज़, दीपों का सजेशंस डिमांड मांगा है, उससे अंडमान का मैटर उठेगा। और मोदी जी जो काम किया है, सबसे बड़ा चीज़ सोच लीजिए, कांग्रेस सचमुच परिवार का पार्टी है। एक उदाहरण दूंगा आपको पंडित नेहरू जी का, कोको आइलैंड स्मॉल एंड बिग डिग्रीपुर से दूर है 50 किलोमीटर दूर में, लेडी माउंटबेटन ने मांगी बिंदी देखा कोको आइलैंड दे दिया बर्मा को और चाइना बन गया। कांग्रेस पार्टी अंडमान में चाइना को दिया, चाइना क्या किया गूगल में जाओ, चाइनीज कोको आइलैंड में बैठा है आर्म्स मिशन 500 लेके, क्योंकि उसको भी नहीं हुआ। मुझे आए आज आप कह सकता हूँ पूरा द्वीप ब्रह्मोस टेस्ट हुआ, सही है कि नहीं लगा दिया पूरा अस्त्र का भंडार, प्रोडक्शंस सुरक्षा उसका पूरा जोरदार काम कर रहा है। अनल प्लान फंड बाद प्लान फंड छोड़ के कैंपबेल भी कैपोजिट कितना है 9,300 करोड़,
बुजुर्गान से जन की सब जानकारी है। कैंपबेल में जो क्या बनेगा फ्यूचर, वो सोच सकते हैं हम लोग, विला, शिपयार्ड, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, अदर प्रोजेक्ट्स। और कैंपबेल में ऐसा आइलैंड है, जो आइलैंड में को लोग बोलता जब लक्ष्मण को शेल लगा था तो हनुमान जी ने कैंपबेल में आया था, फिर कैंपबेल में रुद्राक्ष मिलता, बाकी दिव्य रुद्राक्ष मिलता नहीं है। तो कैंपबेल में का आशीर्वाद क्या होगा अभी सोच सकता नहीं, बहुत बड़ा कैंपबेल में बनेगा। डिगलीपुर द्वीपों में इसकी प्लान में है, नया बनेगा एयरपोर्ट 5 किलोमीटर्स। डिफेंस कोस्ट गार्ड के लिए मंत्री सोनोवाल जी आए थे, डीप सी कोस्ट गार्ड डिप्टी बन रहा है हमारा शिप न सॉरी कालीघाट में, दुर्गापुर में आबाद जो जेट्टी है डिग्रीपुर का, आज जो जेट्टी है वहाँ बनेगा, वो बेट्टी का काम भी फाउंडेशन हो चुका है, जिसको बोलते एरियल बे, एरियल वो काम चल रहा है, शुरू हो गया, उसके भी चलता है। नंबर वन, साउथ अंडमान में भी एक एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट का प्रोपोजल चल रहा है, लंबा 5 किलोमीटर्स। इतना कनेक्टिविटी जोड़ने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस, प्रिपरेशन ऑफ चाइनीज एग्रेशन एंड अंडमान का रोजगार, अंडमान का टूरिज्म कहाँ पहुँचेगा, इससे आप सोच सकते हैं, हम भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। ऐसा बहुत सा प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक खुशखबरी दूँ, कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर मेरिन डिपार्टमेंट आ गया है। जब मैं था सरकार में तीन गडकरी जी, कोचिन शिपयार्ड अंडमान भारत सरकार का है, अपना गवर्नमेंट का टेकिंग है, कोचिन शिपयार्ड मेरिन डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर लिया, ऑफिस खुल गया, उसको स्टाफ आ गया भाई। तो पूरा जो शिपयार्ड का ATI के लैंड प्रोजेक्शन था, हम लोग शिप रिपेयर यार्ड हो वो भी उनके पास जाएगा, और पूरा अंडमान का जितना शिपिंग मटेरियल्स होगा, शिपिंग काज होगा, सब कोचिन शिपयार्ड करेगा भारत सरकार का। संस्था आ गया इधर, हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा किसके पास जाएगा, भारत सरकार संस्था है वो ये काम करेंगे। तो शिपिंग सेक्टर में एक बड़ा रेवोल्यूशनरी काम होगा, ये जानकारी हमको मैं दिया। बाकी तो द्वीप समूह में समस्या बहुत है, डेवलपमेंट होना डेवलपमेंट चलते रहेगा, बट सरकार के पास इतना फाइनेंस में, मोदी जी का सरकार जो रिवोल्यूशन कर दिया गया, उसमें अंडमान भी उस आमदनी में, उस पैसा में अंडमान को शेयर उन्होंने देंगे, उन्होंने दिया है। और मैं तो थोड़ा बहुत चिल्लाने जाने में, मांगने में थोड़ा बहुत योग्यता अर्जन कर दिया, क्या बोला, इसलिए ये काम तो मैं कराऊँ। और मोदी जी से अमित शाह से नाता मेरा अच्छा है, अभी इतना ही कहना था, बाकी आपको पूछने का बहुत सर। एक बात है कि सर आप पहले तो आपको सर विद सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ अडवाणी का सपोज आप एमपी बन भी गए तो सर अभी प्रेजेंट जो एमपी है उनका हर एक मैटर में उनका लेटर पर तो हुआ है सर उनका, और आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा, पर काम नहीं हुआ, मतलब काम रियलिटी गवर्नमेंट में काम उनका नहीं हो पा रहा है जितना पब्लिक को नहीं दिख रहा है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगा, कैसा आप इम्प्रूव करते हैं। देखो काइंडली इतना बैठो, संसद का काम, मैं अपोजिशन पार्टी में था ना, बायपेट दे बेच दिया था, मैं क्या किया था, यहाँ धरती का आंदोलन पार्लियामेंट ना करूँ आंदोलन किया कि नहीं किया था, मोशन मूव किया अगेंस्ट गवर्नमेंट, बायपेट बेच दिया था चाइनीज का हाथ में, थाईलैंड का हाथ में, एक कैंटीन को पत्र दिया था, एक कैंटीन का पत्र भी दिया, स्पीकर मीरा देवी उन्होंने स्पीकर मोशन मूव किया, मोशन हुआ, बाईपार द्वीप आखिर में अंडमान निकोबार को मिला, जो प्रोजेक्ट था कैसे उनका खत्म हो चुका है, खेत डूब गया, लड़ाई किया कि नहीं पार्लियामेंट में, हंगामा किया कि नहीं किया था, उसी पीरियड में कितना काम करा दिया, अपोजिशन पार्टी में फंड बनाया, प्लान बुक बनाया,
फंड तो भरा है, बजट भरा है, रोल रहा है, काम कर सकते हैं, क्या बोला मैं कुलदीप जी के बारे में बोल के क्या फ़ायदा है पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के एमपी को, कम से कम सुना बहुत बार, नहीं सुना क्या, सुना भी है, धमकी भी सुना है, हंगामा भी सुना है, बिना चिल्लाने से क्या अपोजिशन रोल्स हैं, सिर्फ पेपर में है, काम में है, काम में क्या किया, एमपी एक फंड खर्चा भी नहीं किया, एमपी फंड हम पूरा खर्चा किया वो थोड़ा बहुत वोट डाल दिया, एमपी का फंड तक खर्चा नहीं किया, एमपी का फंड तक खर्चा नहीं किया, खर्चा भी नहीं किया, तो चर्चा नहीं अच्छा है, क्या बोला कुलदीप जी को क्या करना नहीं करना वो पार्टी तय करेंगे, क्या बोलना, मेरे बेचारे ने बोल दिया कुलदीप जी का एमपी बनने से जो काम करना था वो काम नहीं कर सका, उसका आवाज़ बुलंद नहीं हुआ, पार्लियामेंट मेंबर्स बिल्स में क्या होता है देखो, पार्लियामेंट हिस्ट्री में सब बिल लाता है, कोई बिल इम्प्लीमेंट होता क्या, हमारा एमपी किस लिए गया था, पानी के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, है कि नहीं, क्या बोला, खाद के लिए, नेशनल हाईवे के लिए, ब्रिज के लिए, बाकी काम के लिए दिया, वहाँ तक परमानेंट करना था, फायर ब्रिगेड क्लाउंस देना था, काम तो था, एनएम का तंका बनाना था, अंगनवाड़ी का तंका बनाना था, जो बेसिक नीड्स था उसका मांगना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है, मंत्रालय से धक्का मारना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप सर्वे कर लो, आज के दिन में कुलदीप का काम क्या, विश्व काम किया, आप पत्रकार छोड़ दो, सुनो छोड़ दो पत्रकार ऊपर में, सर्वे में मैं 90 में हूँ, 10 में रहेगा, 10 में रहेगा, 10 में रहेगा। सर पास्ट एक्सपीरियंस, आप जब भी एमपी देंगे तो जाहिर है कि आप लड़ झगड़ के काम करवा ही लेंगे, लेकिन आप जब भी एमपी रहे हैं, एमपी नहीं भी रहे हैं, आपका हमेशा जो है एलजी साहब से हमेशा टकरा ही रहा है, कोई ना कोई मुद्दे में आप उनसे टकराते ही रहे हैं, कोई भी एलजी रहा। सर अंडमान निकोबार में काफ़ी पहले से डिमांड है, आपका पार्टी भी एक्नॉलेज करता है, आप लोग भी डिमांड करते रहे, यहाँ में एक स्टेट वाइड डेमोक्रेटिक सेटअप की जरूरत है, जैसे कि प्रदेश काउंसिल, एग्जीक्यूटिव पावर या फुल फ्लेज्ड असेंबली। तो अभी पार्टी का क्या स्टैंड है सर, आप लोग 10 साल से सत्ता में हैं, अभी तक आप लोग ना अंडमान को प्रदेश काउंसिल दे पाए हैं, ना आप लोग अंडमान को असेंबली दे पाए, जनता भी हमेशा डिमांड करता है, दोनों कांग्रेस और बीजेपी का यही हाल है, जब ऑपोजिशन में रहते हैं जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हम लोग प्रदेश काउंसिल लाएंगे, असेंबली लाएंगे, सत्ता में आने के बाद आप लोग भूल जाते हैं कि आप लोगों को ये काम भी करना है, तो इसके ऊपर क्या अभी पार्टी का स्टैंड है, और क्या इस बार मिलेगा प्रदेश काउंसिल या असेंबली आप जीतने के बाद अंडमान निकोबार? इसका बातचीत का जवाब दूंगा, पहले बात तो सुन लो, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश काउंसिल मांग रहा है, पार्टी से मैं लूंगा, नंबर वन रिप्लाई क्या आया, फिर दिल्ली से बातचीत के जो पार्टी जवाब देंगे। बोलो, इसमें तरुण जी जो सवाल किए हैं, पार्टी अंडमान निकोबार इकाई मेरे माध्यम से, मैं अध्यक्ष, मेरे माध्यम से जब अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी का समक्ष भी ये बात को उठाए थे, और हाल ही में ज़्यादा दिन का बात नहीं है, 2-4 महीना पहले बहुत ही बढ़िया से मैं वो पत्र आपको दे भी सकता, आपको अगर चाहिए तो मैं पत्र आप सबको दे सकता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया पत्र बनाकर यहाँ से प्रदेश काउंसिल जो 1994 में एबुलिश हुआ था, पहले प्रदेश काउंसिल थे और उसका बाद में 1995 में पंचायती राज आया, तो ये हमारा तमाम PRIs, ये हमारा तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टी कैडर और यहाँ का लोगों का ये मांग है, और उस मांग को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से दिल्ली तक इसको लेके गया, दिल्ली में उठाया, और इसमें पूरा आशा है अभी विष्णु जी सांसद बनेंगे जरूर, जनता का आशीर्वाद से, ईश्वर का आशीर्वाद से, और पार्टी एक साथ मिल के इसको आगे उठाएंगे, और पूरा पार्टी का ये ध्यान रहेगा इसमें जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रदेश काउंसिल अंडमान में लाएंगे। दादा मेरा एक साथ दो प्रश्न रहेगा आपसे, और आपसे भी रहेगा दादा, यहाँ पर अधिकतर बारिश होता है, कुछ समय मिलता है हम लोग को जमीन पे अपना काम करने के लिए, सूखा जब रहता है सब रहता है, जमीन का लेन देन करना है, कुछ करना है, हमारा प्रॉपर्टी हम अपना बच्चा को देने मांगेगा, गिफ्ट करने मांगेगा, उसके लिए भी हमको स्टैंप ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, दुनिया भर का देना पड़ता है, कहाँ से देगा, हम गिफ्ट देने मांगते हैं,
एक तो दे नहीं सकते क्योंकि नया रूल जो आ गया, उतना पैसा का अगर 15 लाख का उसका लैंड वैल्यू है तो उतना का हमको स्टैंप ड्यूटी खरीदना हम गिफ्ट ही नहीं कर पाते, एक तो है। दूसरा आपका जो चुनावी घोषणा पत्र में पिछला बार भी था उससे पिछला भी था कि म्यूनसिपल काउंसिल का जितना की बिल्डिंग वायलेशन का मामला था उसको 1 टर्म रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन आज तक कोई रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं मिला। एक सिंगल टर्म में सारा पैनल लगाया गया था उसके बाद धड़ाधड़ वायलेशन होकर बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन जिसका 4 टर्म में रोका गया था आज तक वो सफर कर रहे हैं। ये दो मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? मैं बोलूं फास्ट सॉल्व क्या था जो जमीन का बारे में सर्कल रेट गिफ्ट डेट कन्वर्शंस इस पर पार्टी ऑलरेडी जानकारी अमित शाह मोदी को दिया, हमने जॉइंटली गया था, हम गया विशाल गए थे अजय जी गए थे, चर्चा भी बात भी अच्छा धरना अच्छा कदम आएगा, आम लोग को आसानी से अधिकार मिले उसके पक्ष में शायद हम लोग आगे चलेंगे हो जाएगा। सर्कल रेट दूसरा ये जो बिल्डिंग वाले एक मिनट हाँ सर्कल रेट गिफ्टेड दादा बोल दिए है, पार्टी हमेशा इस दिशा में काम किया है, कोई भी कारण हो नहीं हुआ वो अलग विषय है, पर मन से 100% पार्टी इस जो टेन्योर हम लोग अभी बिताया कोरोना का पीड़ा भी झेला है लेकिन उसका बीच में हर एक के समय हम लोग इसको परसू किया, दिल्ली तक आवाज़ उठाया, म्यूनिसिपल में जो बिल्डिंग बायलॉस का जो 1 टाइम रिलैक्सेशन का जो बात है इसको भी हम लोग उठाया, जब उदय कुमार जी चेयरमैन थे उदय कुमार जी खुद गए थे, किशन रेड्डी जी जो हमारा स्टेट होम मिनिस्टर थे उन तक, और अभी भी इसका साथ साथ में कॉन्वर्शन और डाइवर्शन जो भी करण रहा ये ठीक से काम इस पर नहीं किया प्रशासन, उसमें पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं है, पार्टी इस दिशा में एक्टिवली काम कर रहे हैं और पूरा ये मैं आशा करता हूं और आप सबसे वादा भी करता हूं इस बार पार्टी अंडमान में जीत के आएगी और पार्टी इस जो गिना चुना जो मुद्दा है जो बर्निंग इशू है इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएंगे, जरूरत होने से अपना सांसद को लेके पार्टी रोड में उतरेंगे लेकिन काम करके रहेंगे। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट वगैरह तो हम लोग एमपी पीरियड में नहीं हुआ, एमपी पीरियड का कुलदीप शर्मा उसी टाइम में उसको रुकना कर रुकने का मौका है, कारण क्या कोई भी डिसीजन जी साहब ले रहा है कम से कम तो एमपी साहब को तो पता ही होगा, अगर एमपी साहब को तो पता का तो नहीं कर सकता है, वो पीरियड में तो हुआ है जरूर हम लोग 2024 में जीत के आएगा, विष्णु बराज जी से मिलकर भी हम लोग जरूर उसका सुझाव रहेगा, हम सभी सफल रहे आप सफल रहे सभी सफल रहे खाली आपके नहीं है पूरा अंडमान में 4.5 लाख किस किस का प्रॉपर्टी सबका सब प्रॉब्लम में तो 101% हम जरूर इसका टेक कर। सर जब से आपका कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है तब से आपको डिस्क्रेडिट करने का बहुत कैंपेन चल रहा है, कभी कोई वीडियो सामने आया था जहाँ आप नॉन आइलैंडर्स को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, कभी कोई ये कहने लगता है कि आप बंगाली हैं ही नहीं आपको कुछ और ही कहीं का बताना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह का डिस्क्रेडिट का आपका कैंपेन चल रहा है। सर ये 100% जॉब रिजर्वेशन का जो मामला है जो अंडमान में जो है हर 6 महीने 1 साल में जो है सामने आते रहता है और जिसको लेके कई सारे पॉलिटिशियंस जो है पॉलिटिक्स भी काफ़ी खेलते हैं, तो इसमें पार्टी का क्या स्टैंड है सर, क्या करेंगे 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर आप अंडमान निकोबार में, क्योंकि जनता का डिमांड तो है कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो यहाँ के आइलैंडर्स को ही मिले, इसके बारे में आपको क्या कहना? एक तो मेरे बारे में कुछ लोग बोलते हैं उनको काइंडली बोलने दिया जाए, लेट यू स्पीक है बोलने दें, जब पार्टी 1998 पार्टी में लोग बनाया था जितना गाली गलौज हम लोग को पार्टी को मिला क्या बोला वॉज कहाँ है हम लोग कहाँ है उसको बस छोड़ दो, उसका चिंता उनको छोड़ दो करने के लिए। सर अभी प्लीज सेकेंड थिंग जो बात आया सेकेंड बात आया खास करके जो अंडमान नौकरी में बाहर का लोग आ रहे हैं इसको मैं बहुत लोग मुझे मिला इसके बारे में हम काफ़ी लोगों से सजेशन मांगा ये कितना परसेंटेज लोग बाहर से आए, अभी एक जगह डिपार्टमेंट में गया था MTS काली में गया पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू MTS में गया
31-32 भर्ती हुआ, एक एमटीएस अंडमान का आदमी तेलुगु ज्वाइन किया मेनलैंड से, पढ़ाई यहाँ किया सेटल हुआ। आउट ऑफ 30 एमटीएस ओनली वन मेनलैंडर, वो अंडमान में था, हैदराबाद चल के पड़ गया। ये फिगर तत्व लेंगे हम लोग, लेके के पार्टी बैठेगा विचार करेगा। दिमाग में तो एक बात आया है, जब लद्दाख में कर सकता तो हम लोग उसको आगे क्यों ना बढ़े, ये विचार हमारा दिमाग भी सबके विचार में भी है। सर इसका क्या फायदा है, तो इसके लिए सर क्या स्टेप रहेगा पार्टी का, इस तरह से आप लोग ये इशू को देखते हैं? एक तो इसमें हमारा अनुरोध है मोदी सरकार जी के, अमित शाह जी को, इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि सेटलमेंट तो श्रीलंकन रिपेयर्स को नहीं हुआ, कैमरू एक्सप्रेस सेटलमेंट का नहीं हुआ, बर्मा सेटलमेंट का नहीं हुआ, जो सेटलमेंट ट्रेड में जो आए थे, केरला सेटलमेंट को नहीं हुआ। इस पर विचार पार्टी करेंगे, हम लोग आगे प्रेस करेंगे, इच्छा हम लोग का है। एक एक बात, जो वीडियो चल रहा है जो बोल रहे हैं आप सोशल मीडिया में, अब कांग्रेस के पास जो हमारे अपोजिशन पार्टी है उनके पास मुद्दा नहीं रहा, तो उन लोग जो है जब मुद्दा नहीं रहता तो पर्सनल अटैक शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने देखा कल परसों कुछ यूट्यूबर्स जो है वीडियो बना के डाला था बीजेपी का, बहुत इनसाइड फाइट है सब। आप खुद आया पार्टी ऑफिस में, कांग्रेस पार्टी के अंदर का माहौल वहाँ पे जूता चप्पल चलता है, यहाँ का माहौल आप देखिए। देखिए मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ उन लोगों को, मुद्दा बेस में आइए, पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक क्रिकेट टीम में विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या है कि कैप्टन कोई और को बना, इसके मतलब ये नहीं कि विरोध करने की तरह खराब हो गया। सब मिल के खेलता और बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है, बीजेपी के अंदर जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, डिक्लेयर होने तक सबका दिल होता है, मुझे भी दिल होगा कि मैं भी एक दिन एमपी बनूं। लेकिन जब पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड कर लिया हमारा आर्मी जैसा फौज है बोल दिया अटैक, तो हम अटैक के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट है, सिर्फ कुछ लोग जो मुद्दा नहीं है, कुलदीप को बता रहा है कि वो सांसद रत्न है। अरे सांसद रत्न किस लिए दिया जाता है, अटेंडेंस पे मिलता है, अटेंडेंस के सिवा उसने पार्लियामेंट में क्या क्या बता दिया। जैसे भाई साहब ने कहा कि चिट्ठी लिखा, अरे चिट्ठी दो क्लर्क बिठा दो ऑफिस में, चिट्ठी तो बनती जाता रहेगा। गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आ गया तो उससे दो दिन पहले कुलदीप राय शर्मा की एक चिट्ठी आ जाएगा ये करवा दो, और अगला दिन आ जाए कुलदीप राय शर्मा के कहने पर हो गया। आप फील्ड में बताइए कि कुलदीप राय शर्मा ने क्या किया है, कुछ जो बर्निंग इश्यूज है अंडमान के ऊपर उन्होंने उतर के क्या किया है, ऐसा तो कुछ नहीं है देखने में। आप पहले वहां पे सीटों को लेकर कांग्रेस में सीट फैसला तो कर ले पहले कि कौन कैंडिडेट रहेगा, और सबसे बड़े बात बीजेपी से बीजेपी का कैंडिडेट को टिकट मिला है, कुलदीप राय शर्मा या भास्कर साहब को नहीं मिला टिकट। तो हमारा कैंडिडेट है, हमारा पार्टी का फाउंडर जो आज हमारा कैंडिडेट है, तो इसीलिए हमारे बीच में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। बोल बोल के पड़ोसी के घर में क्या पका कहाँ नहीं पका आपको क्या मतलब भाई, आप अपना घर में क्या पका है वो देखो ना, बस इतना ही कहना। मुझे एक बात कहता हूँ, कांग्रेस का काफी मित्र ने बहुत जल्दी बीजेपी ज्वाइन करेगा, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का काफी मित्रों ने जिन्होंने पार्टी बनाया क्या फाउंडेशन, ऐसा व्यक्ति जल्द ज्वाइन करने वाला है। कुछ बोलिए सर, अभी कांग्रेस के कार्यभार आए थे यहाँ पे, मणिकम सर प्रभारी आए थे, उन्होंने कहा कि हम सब ने देखा कि अपने कार्यकाल में कुलदीप राय शर्मा जी वो लोग उनको पार्लियामेंट की तरफ से भी टॉप 10 पार्लियामेंट भी दिया गया है, वही संसद रत्न अवार्ड ये कोई हल्का फुल्का चीज नहीं है, इसको भी बहुत सारे चीजों में इसका आंकलन होता है तब जाके मिलता है, जिसमें टीएमसी बीजेपी कांग्रेस सभी नेता को यहाँ पे दिया गया है बिना किसी भेदभाव के, इसका पूरा वो भी है। तो लगातार 3 बार संसद रत्न अवार्ड मिलना, पार्लियामेंट में बीजेपी का राज होते हुए पार्लियामेंट में उनको टॉप 10 एमपी का उस लिस्ट में लाना, फिर ये कहना कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर दूसरी एक और बात मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ आप लोग की इसमें क्या प्रतिक्रिया है, कि वो एक सांसद है और सांसद जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो पब्लिक का इश्यूज को लेकर संसद में बोलते हैं और संसद में चिल्ला चुल्ली करते हैं, तो फिर क्या होता है वो हम सब देखते ही,
तो जो प्रोसीजर उसके थ्रू तो कुलदीप भाई शर्मा जी ने अपना काम किया है, और जहां तक बात है जमीन पर करके काम करने का, तो फिर वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का हर जगह पे चाहे जो मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे उनके सेवा दल के, उन्होंने भी काम किया था एक तरफ, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी करता है, आप बीजेपी की तरफ से भी कभी महिला मोर्चा कभी युवा मोर्चा जैसे किया है, उस तरह कांग्रेस के भी हर सेक्शन ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्या आप लोग आप कह रहे हो कि सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, अगर ये आप क्लियरली बता दें तो जनता को भी क्लियर हो जाए। अभी मैं कहूँ फर्स्ट नंबर वन एक स्टार्ट क्वेश्चंस में कुलदीप राय शर्मा जी का बताओ क्या क्वेश्चन किया। नंबर वन उदाहरण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस सर्कल रेट से एग्जाम्पल ले लो, वैल्यूएशन गिफ्ट डीड, इस पर क्या क्वेश्चन किया? स्टार्ट क्वेश्चंस जो डिस्कस होता एक घंटा इन वन आवर में पांच सात आता वन आवर था, उसमें क्वेश्चन कौन है बताओ? नंबर वन अंडमान निकोबार का सर्कल रेट वैल्यूएशन कौन क्वेश्चन किया? अनिल सरदार जी कोई मीडिया में आया पत्रिका में आया? नहीं आया। नेशनल हाईवे खराब आए, ब्रिज खराब आए, रोड खराब आए, क्वेश्चन आया पार्लियामेंट में बताओ स्टार्ट क्वेश्चन कौन है? रिप्लाई आया होगा, रिप्लाई को रिप्लाई क्या दिया गवर्नमेंट? ब्रिज टूट गया, नेशनल हाईवे खराब है, बाटंग ब्रिज नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या जवाब के दिखाओ? क्या है दो क्वेश्चन अनस्टार्ट रिप्लाई आते हैं, लिखो ना क्या किया आपने? अरे पार्लियामेंट क्वेश्चन इज आंसर इज बाउंड टू एक्सेप्ट एंड डू इट, जरूर कुछ भी बोल दो कि ना हुआ ना बात है, प्राइवेट जो भी बोलो कर दो, क्वेश्चन अनस्टार्ट स्टार्ट को अकाउंटेबल गवर्नमेंट का होना पड़ता है। बताओ क्या किया? काइंडली जवाब दे, ये मेन इशू तो ही है। स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन एडिशन कॉलिंग मोशन, मैं एमपी था, मनमोहन सिंह पीएम था, भाईपति बेचा कांग्रेस पार्टी ने रुपया लिए सब लोग मिलकर, मैं लड़ के मोशन मूव किया, स्पीकर के पास था अपने कॉन्स आज भी, मेरा मीरा कुमार का स्पीकर था, एंटनी साहब मंत्री था, उद्योग कर दिया हमारा पेट में लड़ाई किया हम बौद्ध इशू लेके, ये तो मोशन था। हम अपोजिशन पार्टी में लीडर्स को कितना मोशन मूव करते पार्लियामेंट में, स्टैंडिंग कमेटी एक कमेटी कमेटी है, होम कमेटी में माननीय कौन कमेटी में था, हम स्टैंडिंग कमेटी में पूरा डिस्कस होता, स्टैंडिंग मीटिंग जाता था मैं, हमें बजट लेके बैठता था, पूरा पूरा मिनिस्ट्री बैठेगा, हम मना के जाएगा मीटिंग दिखाएगा, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा डिमांड है, ये प्लान बुक में ये पेज में है, डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्लान कहाँ से बनता है? अंडमान से प्लान होता वन ईयर हो गया थ्री ईयर्स, क्यों पार्लियामेंट वन ईयर प्लान है, ये तीन साल का प्लान है माननीय कुलदीप जी, क्यों? नंबर टू आप तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन है, स्टेट कमेटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्लान कमेटी में कुलदीप एल जी साहब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, आपने देखा ना मीटिंग मेगापोर्ट नेस्ट में चेयरमैन बैठे गवर्नर मैं बैठे बगल में, कितना मेरा बुक था मेरा आई एस बढ़ जाएगा। तो पार्लियामेंट अंडमान बजट पे क्या चर्चा किया? कितने सेक्टर्स है? 29 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट 29 फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, उसमें क्या किया? आज पूरा पूरा अंडमान एग्रीकल्चर फिशरीज बन गया कौन? आई एस आई पी एस तक का मेरा है, क्यों बैठ गया? हम पढ़ लिखा है हम नहीं बैठाया गया, आई एस का राज कर दिया, चुप क्यों है बताओ? सेकेंड थिंग्स अंडमान को लेके क्वेश्चन क्या किया? एम पी लेट कितना खर्चा किया? एम पी लेट फंड कहाँ है दिखाओ ना कहाँ खर्चा कर दिया? हम बता दिया मेरे एम पी लेट फंड सर्च कर लो, खर्चा 100% किया, 100% बताओ कितना परसेंट किया? मारो ठीक आप जो आप पूछता बोलता मैं नाता दूसरे मेरे पुत्र नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट जाता मौज करने के लिए, मौज रियली बोलता मैं, सुनो मैं लास्ट पॉइंट बताऊँ, कांग्रेस पार्टी जितने लोग बना भारत में सिर्फ मौज करने जा रहा है और कुछ नहीं, सुनो पार्लियामेंट टूर करता है, हमने टूर किया विदेश बहुत लोग गए, कांग्रेस पार्टी गलत क्यों पूरा में आज भारतीय जनता पार्टी में एक एक स्टार है बोलने के लिए, पार्लियामेंट में बोलता है क्वेश्चन करता है डिबेट करता है, उस पार्टी कहाँ है? जनरल रमेश हाईली क्वालिफाइड मैन, बॉस कौन है? राहुल गांधी,
बताओ हालत क्या है पार्टी का। इस पार्टी में रमेश जवाल था, रमेश पार्टी में से आज कुछ बोलता था, वहाँ तो सब जी उजुरी, कांग्रेस में जी उजुरी है। खारगे को देखा, खारगे को सब खारगे को बोलो आप तो पार्लियामेंट जाओ, खारगे को मैं क्या बोला, सोनिया गांधी को राहुल गांधी को क्या बोला, वो सब पूरा खोद लो। और है तो मैं बदमाश क्या बोला, मेरा आवाज़ पूरा आता है। एक आई सब धमकी दिया था हमको, कहानी सुना नहीं आप, आई सब सर धमकी दिया हमको, लगा दिया उसका प्रिविलेज, क्योंकि जाने वाला था पचा दिया। अंडमान एम पी जब बना तब तुम बेटा संभल के रहना, क्या बना ऑफिसर अच्छा रहना नहीं, प्रोटोकॉल जानता है एम पी का प्रोटोकॉल क्या है। आखिरी सवाल सर, उन्होंने अभी जो जाने से पहले एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि एम पी साहब ने काम करने का पूरा प्रयास किया, जितने लेटर्स वगैरह देने हैं सब दिया, लेकिन काम जो है खुले तौर पर उन्होंने कहा कि अमित शाह जी है उनके डायरेक्शन पे काम नहीं हुआ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और आप इस बारे में एक बात सुन लीजिए। अमित शाह जी का आदेश पार्लियामेंट में नहीं चलेगा, एमपी पूछेगा पार्लियामेंट क्वेश्चन, जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह का रोल नहीं है। स्टार्ट क्वेश्चन करे कुलदीप जी को, अमित शाह का रोल नहीं है, रोल पीएम का नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन करेगा, रोल किसी का नहीं है, कॉलिंग अगेंस्ट मोशन करो, मूव करो स्पीकर को, अमित शाह जी को मोशन मूव कर अंडमान काम के ऊपर, स्पीकर डिसाइड करेगा, अमित शाह नहीं करेगा। मैं बाइपर में किया था पूरा अमित ना, अमित शाह से पार्लियामेंट चला था क्या, पार्लियामेंट चला था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, स्टैंडिंग कमेटी, होम कमेटी, ये कमेटी वो अलग बैठे हैं, इंडिपेंडेंट कमेटीज है। उस कमेटी का रोल पीएम डिप्टी मिनिस्टर नहीं है, अमित शाह नहीं है। ये ना जिसको सांत्वना देता है, मैं कुछ किया नहीं, शांति है, शांति है, सांत्वना जनता देख लिया क्या बोले। विष्णु बोधा पार्लियामेंट क्वेश्चन था, हंगामा कैसा था पार्लियामेंट, कैसा हंगामा था, नाम कर दो अंडमान निकोबार को, किसने बोला था, क्या नील काटने गया था, कैसा बोला था, आप एम पी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यूनियन टेरिटरी का, विथ पावर आप पार्लियामेंट यूज करो, क्वेश्चन रेज करो, डिबेट में आओ, बात करो, उसका कसूर भी नहीं। कांग्रेस पार्टी में एक हलचल है नहीं। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपको कैंडिडेटचर मिलने से पहले आपका काफ़ी ऑडियो वायरल हो रहा था, उसमें आपने ऑडियो में कई बार जो है ये जिक्र भी किया कि जो कोऑपरेटिव बैंक का जो स्कैम हुआ है उसमें ईडी सीबीआई जो है जांच करेगा, सर कब होगा जांच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आ गया तो बहुत दिन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि शायद दो हफ्ता में शोभा नोटिस का रिप्लाई देना है कोऑपरेटिव बैंक को, तो रिप्लाई सबमिट भी हो गया होगा, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ सर, जो स्कैम वगैरह हुआ है प्रॉपर्टी बैंक, जो आरसीएस ने जो शोभा नोटिस भेजा था पूरा एलिगेशंस के साथ जो जो उन्होंने बताया था, उसके ऊपर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट का क्या मजबूरी है कि एक्शन अभी तक नहीं लिया। देखो बीजेपी गवर्नमेंट के आंसर पे इतने भी कर सकता हूँ, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, कौन जगह है पड़ा जानकारी हमको नहीं है, सच बोलता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा मेरे दोस्तों मित्रों को मदद तरह करना, क्वेश्चन करूँगा पहले, स्टार्ट क्वेश्चन कर दूंगा मैं पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से गवर्नमेंट जवाब देने का बाउंड है, इन बिटवीन नोबडी विल कम, कॉल स्टार्ट क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चन आएगा तो फिर कोई नहीं कर सकता, मेरा पावर है। एक क्वेश्चन मैं आप तरह बना देना, क्वेश्चन आप खुद बना दो, तरुण बना दो, तुम जानते हो बनाने, क्वेश्चन बना दो कर दूंगा। अब अच्छा सुझाव उनसे जल्दी से जल्दी भेजिए, सेंट्रल में भी भेजना, और 10 साल का अंडमान कैसा रहना है ये विजन होना है, कल के लिए परसों के लिए नहीं है, कि 10 साल के बाद में अंडमान निकोबार कैसा रहना, आपको कुछ सुझाव है उसका, व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या है माध्यम में सब पार्टियां भी इसमें आगे ध्यान दे सकते हैं, जैसे वो नामो ऐप पर भी है इसमें पानी सड़क को ही अगर ठीक कर दे तो बेसिक है, ये अगर ठीक हो गया तो फिर आगे बोलता है सड़क तो अब हम लोग जा रहा है अच्छा है, उधर थोड़ा सड़क का मतलब मेन रोड नहीं होता है ना सर, जो जॉइनिंग रोड्स होते हैं उनको भी तो ठीक करना है सर। आज मैं कुछ दिन से देख पा रहा हूँ कुछ वीडियो वायरल हो रहा है पार्टी के अंदर, हमारे मतभेद है ऐसा, पार्टी में दो गुट की बात है,
मैं बता दूं, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष अजय जी ने जब से नेतृत्व केंद्र ने विष्णु जी के नाम को यहाँ डिक्लेयर किया है, उसके बाद से आप ऑफिस के हलचल को देख सकते हैं। पूरे बूथ स्तर तक हमारे सारे कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और हमारे सारे बूथ मंडल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोग आज नीचे स्तर तक उतर चुके हैं। आप पता कर सकते हो कि हमारा नॉर्थ मिडिल में ग्राउंड लेवल में काम भी चल रहा है, गांधीनगर शांतिपुर ऐसा सब पश्चिम सागर जो जो लेवल में जंगल में पैदल भी जाना पड़ता, उस स्तर तक बूथ लेवल तक नीचे स्तर तक हमारा काम चल रहा है और हम पूरे बहुमत से हमारे दीपो के पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में इस दीपो का पार्टी पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रही है। ये स्वाभाविक है, चुनाव में दूसरे दल के बारे में ऐसे बोलना टिप्पणी करना स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी संख्या ना रखे, पार्टी एकजुट है और ये मोदी परिवार है, हम इसमें हम सब बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। हमारा आज भी इलेक्शन मैनेजमेंट के सारे कार्यकर्ता दीपो से पहुंची है, हम आज के बाद पूरे के पूरे जिनको भी जिम्मेदारी मिल रहा है वो अपने स्तर तक पूरी तरह सक्रिय 100% उतर जाएंगे। धन्यवाद।